हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मुक्त शैक्षिक संसाधन यानी कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि इसको हम ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज को शॉर्ट फॉर्म में OER भी बोलते हैं। और ये सूचना तकनीकी का एक चैप्टर था जिसको हम कल के वीडियो में देख चुके हैं, इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, इसकी थ्योरी को देख चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इससे मिलते जुलते सभी जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आज की वीडियो में दिखा दूंगा। ज्यादा प्रश्न नहीं बनते इससे, परंतु आपके चैप्टर सिलेबस में है तो इसके प्रश्नों को देखना जरूरी है कि हो सकता है इसमें से एक प्रश्न आ जाए। तो चलिए दोस्तों पढ़ना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोशन और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोशन की क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आज अभी तक सुपरटेट की क्लासेस शाम को चला रहा था, परंतु मैं अब जल्दी, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि नोटिफिकेशन आ गया है IBPS RRB रूरल रीजनल बैंक्स का, उसके PO का और उसके असिस्टेंट ऑफिसर का यानी कि क्लर्क का, तो उसकी भी क्लासेस मैं मॉर्निंग के टाइम पे स्टार्ट करने वाला हूँ। उसमें मैं आप लोगों को जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो उसमें टॉपिक्स होंगे सबसे पहले वही शुरू करूंगा। और रेगुलर बेसिस में हम कोशिश करेंगे कि एक DI डाटा इंटरप्रिटेशन और एक पजल जरूर सॉल्व करें, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन्हीं दो चैप्टर से आते हैं, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, और बाकी के क्वेश्चन तो आपसे हो जाते हैं जल्दी, लेकिन पजल और DI नहीं होता है। रीजनिंग में पजल हो गया और मैथ में DI हो गया, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। इसकी भी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं हम, यहाँ कोशिश करेंगे कि मंडे से स्टार्ट हो जाए। तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से दोस्तों जुड़े रहिए। अगर आपके दोस्त कोई बैंक की तैयारी कर रहे हो तो बता दीजिए कि यहाँ पे आके आप डेली बेसिस पे कुछ न कुछ अपने आप में इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ न कुछ नया सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे आज की वीडियो हम प्रश्न देखेंगे इससे मिलते जुलते, इसके जो थ्योरी है मैं पहले पार्ट में बता चुका हूँ, उसकी अगर वीडियो नहीं देखी आपने तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा मैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न है ओपन एजुकेशनल रिसोर्स शब्द का प्रतिपादन किसने किया। यहाँ पे जो OER है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, उस शब्द का शुरुआत कहाँ से हुआ था, उस शब्द को किसने प्रतिपादित किया, यूनेस्को ने, अमेरिका ने, जापान ने या फिर चीन ने। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का मैं बता दूं सही आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है B, अमेरिका के कैलिफोर्निया में इस शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन हुआ था, सबसे पहले यूज हुआ था। अब दोस्तों देखते हैं, ये पहला प्रश्न था, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा प्रश्न है ओपन एजुकेशनल रिसोर्स शब्द का कब प्रयोग में लाया गया। यानी कि आपको अभी तक तो आपने बताया कि सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया, अब इसके बाद आपको बताना है कि जो OER है उस शब्द को का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया, किस सन में किया गया। तो यहाँ पे देख लीजिए 2003 है, 2001 है, 2002 है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो जो OER है उस शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले किया गया था वो 2002 में किया गया था। अब इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न। इसमें समझाने वाली जो चीजें थी मैंने पहली वीडियो में सारी चीजें समझा दी हैं, तो यहाँ पे मैं बस प्रश्न का आंसर बताता जाऊंगा। आप प्रश्न को एक बार ध्यान से देख भी लेंगे तो आप एग्जाम में हो सकता है कि इन्हीं सब जो यहाँ पे मैंने 11-12 प्रश्न लिए हैं आपके लिए, हो सकता है इसी प्रश्न में से आपको एक प्रश्न देखने को मिल जाए। तीसरा प्रश्न है मुक्त शैक्षिक संसाधन के प्रयोग हेतु तत्व शामिल है, यानी कि मुक्त शैक्षिक संसाधन जो होते हैं ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज इसका इंग्लिश होता है, उसका प्रयोग करने से हमको क्या क्या लाभ मिलता है, उसके कंपोनेंट क्या है। यहाँ पे पहला है अंतः क्रियात्मक अधिगम, दूसरा है अधिगम में लचीलापन, तीसरा है कक्षा शिक्षण प्रभावी, और चौथा है उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों। तो जो मुक्त शैक्षिक संसाधन होता है वो अंतः क्रियात्मक अधिगम होता है, मतलब जो शिक्षार्थी विद्यार्थी होता है वो अपने आप में कुछ न कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश करता है, अगर उसको हम इनोवेटिव तरीके से उसको पढ़ाई शुरुआत से ही कराएं। अधिगम में लचीलापन मतलब कि सीखने के तरीके में लचीलापन होता है कि वो कहीं से भी कभी भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कक्षा शिक्षण प्रभावी बनाते हैं इसके द्वारा हम मुक्त शैक्षिक संसाधनों के द्वारा, अगर हम जैसे कल की वीडियो में बताया था कि वीडियोस का प्रयोग करें अपने पढ़ाई में और इंटरनेट का यूज करें सही तरीके से, तो वो क्रियात्मक शिक्षण जो कार्य होगा वो प्रभावी होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि तीनों चीजें इसके तत्व हैं, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये तीनों प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का गठन कब हुआ। आपको बताना है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में, इसको हम NIST
NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल भी कहते हैं। आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी इसका गठन कब हुआ था। तो यहाँ पे मैं दोस्तों आप लोगों के लिए बता दूं कि इस जो मुक्त विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1989 में। ठीक, अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। यहाँ पे देख लीजिए, पांचवा प्रश्न है मुक्त अधिगम की विशेषता क्या है। अभी मैंने जो तीसरा प्रश्न बताया उसी से मिलता जुलता ये भी प्रश्न है, बस आपका लैंग्वेज यहाँ पे चेंज है। यहाँ पे आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि मुक्त अधिगम जो है, ओपन एजुकेशन जो है यहाँ पे, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, वो कम लागत है उसमें, मतलब कम पैसा लगता है, या फिर अधिगम विधि में लचीलापन है। ये तो पता है आपको कि जो अधिगम विधि है अभी मैंने बताया उसमें लचीलापन है, अधिगम विधि। और यहाँ पे तीसरा देखिए ऑप्शन है सी, अधिगम में लचीलापन, यानी कि सीखने में लचीलापन है और सीखने के तरीके में लचीलापन है। ये दोनों, इन दोनों में आप अंतर समझ लीजिएगा, या फिर उपयुक्त सभी, या फिर तीनों जो ऑप्शन दिए हैं, तीनों ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपयुक्त सभी। जो मुक्त अधिगम होता है वो नॉर्मल जो शिक्षा प्रणाली है उससे कम खर्चीला होता है। इसमें जो सीखने की विधि होती है उसमें लचीलापन होता है कि इसमें हम किसी भी तरीके से सीख सकते हैं, जरूरी नहीं कि किताब से ही सीखें। अधिगम में लचीलापन, यानी कि कब, क्यों, कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें मतलब ये नहीं है कि कंपलसरी है कि आपको क्लास में बैठ के ही पढ़ाई करना है, आप दूर बैठ के आप लाइव प्रोजेक्ट, लाइव स्ट्रीम के जरिए भी पढ़ सकते हैं। तो ये तीनों चीजें होंगी, इसलिए मुक्त अधिगम की विशेषता जो है वो उपयुक्त सभी है। ये था पांचवें क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं छठवां प्रश्न, देखिए कौन सा प्रश्न है छठा। छठा प्रश्न है वैश्विक स्तर पर प्रथम OER सम्मेलन, यानी कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज सम्मेलन कहाँ स्थापित हुआ था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो पहली बार जो OER का सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। अमेरिका में इसकी वो OER शब्द का प्रतिपादन हुआ था, तो हो सकता है यहाँ पे भी हो सकता है, पेरिस में हो सकता है, भारत में भी हो सकता है, क्योंकि भारत इसके जो संस्थापक देशों में से एक है, या फिर चीन हो सकता है, चीन भी इसमें से एक है। तो आपको बताना है कि जो OER का प्रथम सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन, पेरिस, जो कि कहाँ पे है, फ्रांस में। ठीक, और यहाँ पे ही क्यों हुआ था, इसलिए हुआ था यहाँ पे हमारा यूनेस्को है। ठीक, यूनेस्को के हेडक्वार्टर में हुआ था इसका प्रथम सम्मेलन, जिससे हमको ये पता चलता है कि यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है। और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनेस्को का फुल फॉर्म मैं बता दूं तो यूनाइटेड नेशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ UNITED, यूनाइटेड, NATION, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, UNE हो गया एजुकेशनल से, ये साइंटिफिक होता है, यस से होता है। आप नीचे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ बाकी का, SCIENTIFIC, साइंटिफिक, सी से होता है आपका कल्चरल, और ओ से होता है ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल, यहाँ पे एंड लगा सकते हैं आप, यहाँ पे एंड है, एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का ये फुल फॉर्म होता है। अब इसकी स्थापना अगर यहाँ पे इस प्रश्न से हम जानना चाहें तो इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन से आपके यहाँ पे तीन क्वेश्चन के आंसर आपको पता चल गए, चार क्वेश्चन के, कि वैश्विक स्तर पर जो OER का सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, पेरिस में, फ्रांस में, और ये कहाँ पे हुआ था, यूनेस्को के हेडक्वार्टर में हुआ था। इससे हमको पता चल गया कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर वो पेरिस फ्रांस में है। उसके बाद यूनेस्को का फुल फॉर्म भी देख लीजिए यहाँ पे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, 16 नवंबर 1945 को। तो एक क्वेश्चन से आपके चार पांच प्रश्न यहाँ पे तैयार हो गए। अब देखते हैं सातवां प्रश्न, वैश्विक स्तर पर प्रथम OER सम्मेलन कब हुआ था। ये तो हो गया कहाँ हुआ था, अब ये कब हुआ था, तो ये देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन है, मैं बता दूं यहाँ पे कि इस क्वेश्चन का आंसर है 20 से 22 जून 2012 को ये जो सम्मेलन हुआ था, ये सम्मेलन हुआ था 2012 में 20 से 22 जून, यानी कि 20-21-22 जून को। ठीक, ये तो था आपका OER से सम्मेलन से संबंधित। अब देखते हैं यहाँ पे भारत से संबंधित यहाँ पे प्रश्न आ गया है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है ये भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय है। ठीक, पहले ये जान लीजिए, इसकी स्थापना कब हुई,
1985 में हुई। ठीक, इसको हम कहते हैं इग्नू। ठीक है, इग्नू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक, ये हो गया इग्नू का फुल फॉर्म। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, ये भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय था। अब देखते हैं दोस्तों नौवां प्रश्न। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों नौवां प्रश्न है, यहाँ पे एक अलग ओपन यूनिवर्सिटी है जो आपके उत्तर प्रदेश में है, आपको उत्तर प्रदेश की ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में भी पता होना चाहिए। इसका नाम है उत्तर प्रदेश में जो है राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना आपको पहले बताना है कि कब हुई। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो ये राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है ये कहाँ पे है, इलाहाबाद में। ठीक, इलाहाबाद में, ये यूपी की ओपन यूनिवर्सिटी है और इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। ठीक, ये चीज दो क्वेश्चन यहाँ पे आपके निकल के आ रहा है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो इलाहाबाद में है। इसकी स्थापना कब हुई, 1999 में हुई। अब देखते हैं दसवां प्रश्न। यहाँ पे दसवां प्रश्न आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ये प्रश्न बनाया है क्योंकि ये प्रश्न भी बन सकता है प्रेजेंट टाइम में। तो प्रेजेंट टाइम में आपसे आपको बताना है कि वर्तमान में भारत में कुल कितनी ओपन यूनिवर्सिटी है, यानी कि मुक्त विश्वविद्यालय कितने हैं इसमें भारत में। तो अगर आप गूगल पे जाके देखेंगे तो वहां पे आपको 13 दिखेंगे, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ। गूगल पे अगर आप देखेंगे तो 13 दिखेंगे, बट अगर आप रिसर्च करेंगे, क्योंकि गूगल पे कुछ दिन पहले की चीजें अपडेट होती हैं उसमें। ठीक, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करके देखेंगे, सभी यूनिवर्सिटीज के नाम को देखेंगे, तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे इस समय वर्तमान में भारत में ओपन यूनिवर्सिटी है 14, जिसमें से आपका दो मैंने बता ही दिया है, आपका है राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो यूपी में है, और इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू, ये आपका दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे मैं आप लोगों को कहिए तो नाम बता देता हूँ, आप सुन लीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद में है, वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान में है, नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय बिहार में है, यशवंत राव चौहान जो है वो नासिक महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय ये भोपाल में है एमपी में, और उसके बाद है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय ये गुजरात में है, और कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय कर्नाटक मैसूर जिले में है, मैसूर स्टेट में, नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, उत्तर प्रदेश का मैंने बता ही दिया कि राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है इलाहाबाद में, और तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है, सुंदरलाल वर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, और 13वां है यहाँ पे उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी नैनीताल में है, उत्तरांचल में है, और लास्ट है 14वां यहाँ पे जो है ये है के हैंडकिंग राज्य मुक्त विश्वविद्यालय गुवाहाटी असम में है। ये 14 के मैंने नाम बताए, वीडियो को आराम से धीरे धीरे करके आप इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना रहा था इसलिए इसको नहीं यहाँ पे लिख के दिखाया आपको, लेकिन आप वीडियो को सुनेंगे और या फिर गूगल पे आप सर्च भी करेंगे तो आपको मिल जाएंगे 14 के 14 नाम। ये है 14 के 14 आपके भारत के ओपन यूनिवर्सिटी। अब देखते हैं 11वां प्रश्न, आपको कल मैंने पढ़ाया उसमें उसी से ये प्रश्न बन के आया है। मैंने स्टार्टिंग में जब कल पढ़ाया था तो बताया था कि ये प्रश्न बन सकता है। इवान इलिच जो कि एक शिक्षा शास्त्री है, ठीक, जो कि आपके ओपन जो शिक्षा प्रणाली है मुक्त आपका जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस है उसके से संबंधित ये बहुत ज्यादा है। ये दो साइंटिस्ट हैं यहाँ पे, शिक्षा शास्त्री हैं, तो उनके बारे में बताया था मैंने कल। तो आपको बताना है कि इवान इलिच की किताब का क्या नाम है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ए ऑप्शन है स्कूल इज डेड, बी ऑप्शन है द स्कूलिंग सोसाइटी, सी ऑप्शन है अंडर अचीविंग स्कूल, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इवान इलिच की जो किताब है उसका नाम है द स्कूलिंग सोसाइटी। कल मैंने दो बुकों के नाम बताए थे आपको, द स्कूलिंग सोसाइटी और स्कूल इज डेड। तो यहाँ पे इवान इलिच की जो किताब का नाम था द स्कूलिंग सोसाइटी, और यहाँ पे एक है शिक्षा शास्त्री रीमर, उनकी किताब का नाम है स्कूल इज डेड। यहाँ पे ये दोनों ही क्यों है, यहाँ पे मैंने नाम बताया, जो ये दोनों ही शिक्षा शास्त्री क्यों यहाँ पे मैंने बताया, क्योंकि जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस है उसमें इन दोनों ने ही इसकी शुरुआत की थी अपनी बुक के द्वारा। अब देखते हैं यहाँ पे 12वां प्रश्न जो कि आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है। इसमें बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे, आप देखेंगे अगर एग्जाम में आएगा भी कोई प्रश्न तो इसी 12 प्रश्न में से आपको देख लीजिए कि अगर 10 से 15 मिनट की आप वीडियो देखते हैं 12 प्रश्न देखते हैं तो इसमें से आपको एक प्रश्न देखने को मिल सकता है एग्जाम में। वैसे जो सूचना तकनीकी का जो
अभी तक पेपर आया है दोनों साल, उसमें आपके इंटरनेट और कंप्यूटर का जो पेपर चैप्टर है, दो चैप्टर, उन्हीं से ही प्रश्न आए हैं अभी पांच पांच। अब बाकी के चैप्टर से जो चार चैप्टर और हैं उससे नहीं आया है कभी भी प्रश्न, लेकिन सिलेबस में है तो आ सकता है, तो इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसलिए इसको मैंने यहाँ पे बहुत डिटेल में चीजों को नहीं बताया, आपका टाइम ज्यादा नहीं लिया, जितने प्रश्न बन सकते थे इम्पोर्टेंट उतने ही दिखाए आपको। यहाँ पे देखिए बारहवां प्रश्न है, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, यानी अभी जो मैंने बताया NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल का मुख्यालय आपको बताना है कहाँ पे है, मुंबई में है, नई दिल्ली में है, लखनऊ में है या फिर राजस्थान में है। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का मुख्यालय है नई दिल्ली में। आशा करता हूँ आप लोगों को आज के 12 प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ऐसी ढेर सारी वीडियोज के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और जल्दी ही मैं मंडे से कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे IBPS, RRB, PO और क्लर्क की क्लासेस भी स्टार्ट कर दूं, उसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो भी आपको दिखाऊं रेगुलर बेसिस पे, DI और पजल कराऊं, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट को दिक्कत होती है पजल में और DI में। इसके बारे में मैं आप लोगों को मंडे को डिटेल में बताऊंगा कैसे क्लासेस चलेंगी, और उसको देखने के लिए आप सिर्फ इतना काम करिए कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।